कोरोना संकट के कारण पूरी दुनिया परेशान है। कोई राशन के लिए परेशान है, तो कोई अपने घर जाने के लिए परेशान है। इस महामारी ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है। कुदरत के इस सितम से हर कोई परेशान है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी परेशानी से रूबरू करवाने वाले हैं जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। लॉकडाउन के कारण इंसान क्या, अब मधुमक्खी भी परेशान हो गए हैं। लॉकडाउन के वजह से अब मधुमक्खियां भूख से मर रही हैं। वैसे किसान जो मधु उत्पादन करते थे, 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में मधुमक्खियों को बिहार से झारखंड और उड़ीसा जैसे प्रदेशों में ले जाते थे, और उस समय वो वक्त होता था जब लीची के मंजर ख़त्म होकर और उसमें फल आने शुरू हो जाते हैं। लॉकडाउन होने की वजह से सभी यातायात के साधन ठप पड़ चुके हैं, ट्रकें नहीं चल रही हैं। इस परिस्थिति में यहाँ के किसान अपने मधुमक्खियों के बक्सों को झारखंड या उड़ीसा नहीं ले जा पा रहे हैं। कोरोना वायरस के वजह से लगे लॉकडाउन के कारण जहाँ देश भर में कृषि कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो वहीं कृषि आधारित कई क्षेत्रों को भी इसने प्रभावित किया है। करोड़ों रुपए की आमदनी देने वाला और लाखों की आजीविका का माध्यम बन चुका मधुमक्खी पालन भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। लीची का शहर मुजफ्फरपुर मधुमक्खी पालन के कारण देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अपनी शहद के लिए लोकप्रिय है। लेकिन परेशानी का आलम कुछ ऐसा है कि किसान अपनी मधुमक्खियों को एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं ले जा पा रहे हैं। आलम यह है कि अब मधुमक्खी पालन करने वाले कई किसान मधुमक्खी के शहद की मिठास देने वाली मधुमक्खियों को जिंदा रख पाने में भी सक्षम नहीं है। इनको दिए जाने वाले भोजन की सप्लाई में कमी आ गई है और इनको पालने के लिए इस्तेमाल होने वाली पोल लैंड की भी सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके कारण रख रखाव ढंग से नहीं हो पा रहा है। बहुत दुखद बात है, ये कोरोना का जो वायरस फैला हुआ है इसमें काफ़ी हम लोग भी दुखी हैं, सशंकित भी हैं। और इस परिस्थिति में हम कहीं अगर मधुमक्खी के पेड़ी लगाते हैं तो 2 महीना तक हम रख सकते हैं, उसके बाद पोलिनेशन के लिए हमको इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। जब हम किसी तरह से इसको ले करके अगर जाते हैं तो जाने के बाद रास्ते में पुलिस जो है किसे घेर करके मारपीट भी कर देता है, उसके बाद कहता है कि पैसा दो तो जाने देंगे, नहीं तो बैक ले जाओ, आपस करता है। बहुत लोग को आपस करना पड़ गया है। कुछ लोग अगर पुलिस से बच बचाव के अगर चले भी जाते हैं तो उनको वहाँ के स्थानीय लोग जब उनको पुलिस को खबर करता है तो पुलिस आकर के उन्हें भी पीट पाट देता है।